धमतरी जिले में बीते सप्ताह भर से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते जिले के नगरी सिहावा इलाके के नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ आने से इलाके में करीब 200 एकड़ में लगे धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में किसान शासन प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल जिले में सप्ताह भर से रोजाना तेज बारिश हो रही है और यही वजह है कि नगरी इकाई के सभी छोटे बड़े नाले पूरे शबाब पर हैं। नदी नालों में बाढ़ आने से पानी खेतों में घुस गया है। खेत में लगे धान की फसल रेत से पूरी तरह पट गई है। इलाके के लीलांस, रिज गांव, टेंसी और अर्जुनी गांव के तकरीबन 200 एकड़ में लगे हुए धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिसके चलते किसान अब माथा पीट रहे हैं और मुआवजे की आश शासन प्रशासन से कर रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों ने इलाके के विधायक को फसल क्षति के लिए मुआवजा देने की मांग की है। किसानों की माने तो बाढ़ आने से उनकी धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। किसानों ने बताया कि फसल पर उन्होंने अब तक लाखों रुपए लगा चुके हैं, लेकिन बाढ़ ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इतवार के 4 बजे के बाद बहुत जोर से लीलांज नदी से बाढ़ आई और पूरा खेती ला क्षति कर दी। इसमें तो कमाए के कोई स्थिति नहीं है और जितना भी घर में संपत्ति था वो सब खेती में लग गई। अब इसमें तो ऐसे है कि जिए की कोई संभावना नहीं है। हम यहाँ शासन तक के भी जा रहे हैं, जम करा तहसीलदार करा भी जे रहे हैं, सरपंच के साथ लेके सरपंच पूरा आवेदन ये करी तो ठीक है। हम आसन भेजा था पटवारी की, अभी तक पटवारी नहीं भेजी। अब यह जो दिन बरसात लगी रविवार दिन, उस दिन मतलब बाढ़ ज़्यादा इस मतलब बहुत बाढ़ इस वो दिन, मतलब पहले बार बाढ़ आए है हमारे यहाँ। मतलब कछार गाँव के तीर पे पानी पहुँच गए, इतना बाढ़ आई तो एकर स्थिति हमारा फसल पूरा नदिया हा पूरा ले गए, नदिया पूरा लेकर वहाँ तक के लास्ट तक नदिया बना दी फसल। कम से कम ये 200 एकड़ में पूरा नदिया बना दीस। और वहाँ तक के हम तुरंत वह भी बुला के देखें तो वो फोटो वोटो खींचीस यहाँ तक तुरते। और खींचने के बाद ओकर बाद वो का हुईस कि हम कल तुम जाओ तुरंत देकर लिए, तुम आवेदन लगाओ फारिस्टा वाला हिसाब वहाँ गेंद फारिस्टा वाला में, तो फारिस्टा वाला किस नहीं, ये हमारा मत के नहीं है। अब तो राजस्व विभाग हो गया, वो लोग करेंगे तहसीलदार पटवारी, हम नहीं करेंगे। वो सलाह बताए ओकर आधार से तुरंत SDM लमरायन वो बात करीस। और बात करने के बाद हम कल भेज देते हैं जी निरीक्षण में कितना क्या हुआ है पटवारी को, और अभी तक अभी वो नहीं भेजा है। बहरहाल इलाके के विधायक बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे कराने और मुआवजा दिलाने की बात कर रहे हैं। सिहावा विधानसभा क्षेत्र के ये अपना सेंचुरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण, बाढ़ बहुत तेज होने की वजह से किसानों के कृषि जमीन को और किसानों के फसल को क्षति हुआ है। और कुछ जगह से किसानों द्वारा मुझे भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया है, उसको मैंने आश्वस्त भी किया है कि निश्चित ही अधिक वर्षा होने के कारण जो क्षति हुआ है, फसल नुकसान हुआ है और कृषि भूमि का क्षति हुआ है, जिसके लिए आप सब लोग एक मुझे पत्र प्रेषित कर दें, तो जिसके माध्यम से मैं आप राजस्व विभाग के अधिकारियों का एक टीम गठित करके वहाँ जा कर के पूरा मूल्यांकन कराएंगे और मूल्यांकन करके जो भी क्षति हुआ है बाढ़ राहत कोष से आप लोगों को क्षतिपूर्ति दिलाने का मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। अब देखना होगा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन के पास इस बात को रखते हुए किसानों के लिए मुआवजा दिला पाते हैं या नहीं। धमतरी से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।